नमस्कार मित्रों, नेक्स्ट हमारा हमने डिजिटल पॉइंट और फाइव शू पॉइंट्स को अलग रूप में देखा था, जिंक वेल है ना, इन स्प्रिंग और नेक्स्ट जो हम देखेंगे इन्फ्लुएशनल पॉइंट, इन्फ्लुएशनल पॉइंट। इन्फ्लुएशनल पॉइंट जो होते हैं वो हमारे शरीर में जो सिस्टम चलता है उस सिस्टम के लिए पर्टिकुलर अलग अलग बिंदु होते हैं, उनको हम अलग अलग और कौन से बिंदु कब लेना चाहिए इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहला जो बिंदु लेंगे हम वह लेंगे UB11। UB11 जो पॉइंट है, जब कभी भी हम किसी भी जॉइंट पेन या बोन रिलेटेड प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट कर रहे हैं तब इस बिंदु को हमें लेना होगा हमारे प्रोटोकॉल में। जैसा हमने पहले पांच बिंदुओं का प्रोटोकॉल बनाया था तो उसमें हम जोड़ेंगे, जैसे नी पेन अगर आ रहा है तो इन्फ्लुएशनल पॉइंट वहां पे कौन सा आएगा, UB11। नंबर टू जो है वो है UB17। ये जो पॉइंट है जहां पे बॉडी फ्लूइड की बात आएगी, बॉडी फ्लूइड ब्लड की बात आएगी, ब्लड प्रेशर है, ब्लडिंग हो रहा है, मेंसेस के प्रॉब्लम्स है, तो जहां पे ब्लड की बात आएगी, ब्लड इन्फेक्शन है, नंबनेस की जहां पे बात आएगी। तीसरा जो पॉइंट है हमारा वह है LU9, जहां पे ब्लड वेसल की बात आएगी, आर्टरी की बात आएगी, ब्लड वेसल आर्टरी की बात आएगी, क्लॉटिंग की बात आएगी, जैसे वेरिकोज वेन्स है, हार्ट में ब्लॉकेज है, पैरालिसिस में क्लॉटिंग हो गया है, तो ये सारी चीजों में हम जो बिंदु लेंगे वो लेंगे LU9 है ना। चार नंबर का जो पॉइंट है वह लेंगे GB34। जब कभी हम मसल एंड टेंडन पेन की बात करेंगे, मसल्स एंड टेंडन पेन, लिगामेंट की बात करेंगे, तब हम GB34 हमारे इसमें हमारे प्रोटोकॉल में हम जरूर शामिल करेंगे। नंबर पांच GB39, जहां पे बोन मैरो की बात आएगी, बोन मैरो की बात आएगी, जैसे हमारे हम जो ब्लड टेस्टिंग करवाते हैं उसमें CVC होता है, RBC होता है, और क्या होता है, WBC वाइट ब्लड सेल होता है, प्लेटलेट होते हैं, जैसे एनीमिया पेशेंट है ना, ऑस्टियो आर्थराइटिस। नंबर सिक्स जो पॉइंट है वह है CV70, जिसको आप रेन मेरिडियन भी कहा जाता है, आपने कंफ्यूज नहीं होना है, सीवी मेरिडियन रेन मेरिडियन एक ही मेरिडियन है, रिस्पिरेटरी सिस्टम श्वसन संस्था, और
जितने भी प्रॉब्लम है, कफ, कोल्ड, अस्थमा, एलर्जी, ब्रोंकाइटिस, ट्रैकिया का कोई प्रॉब्लम, और यह एनर्जी पॉइंट भी है, एनर्जी पॉइंट 7 नंबर का जो पॉइंट है, सीवी 10 नंबर का पॉइंट है हमारे शरीर में। हम एक झेंगफू अलग से मैटर देखेंगे, झेंगफू थेरेपी, तो उसमें हम हॉलो ऑर्गन बताते हैं, हॉलो ऑर्गन, सारे हॉलो ऑर्गन जहां भी प्रॉब्लम में आएंगे तो हम इसको यूज करेंगे। हॉलो ऑर्गन कौन से हमारे इसमें, गॉल ब्लैडर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और यूरिनरी ब्लैडर, इनको जो है फू ऑर्गन भी कहा जाता है। बहुत से बार आपको ये शब्द सुनने मिलेगा, फू ऑर्गन। 8 नंबर का जो पॉइंट है वह है LIV 30 नंबर का पॉइंट। ये जो पॉइंट है यह सॉलिड ऑर्गन के लिए है, झेंग ऑर्गन के लिए, और ये झेंगफू मिलाकर एक शब्द बना है, इसके बारे में हम एक वीडियो अलग से डालेंगे। झेंग ऑर्गन, झेंग ऑर्गन हमारे बॉडी में जो है वो है लीवर, हार्ट सॉलिड ऑर्गन, स्प्लीन, लंग्स और किडनी। तो ये 8 इन्फ्लुएंशियल पॉइंट है जिसको हम हमारे जो हमारा जो प्रोटोकॉल होगा उसमें हम शामिल करेंगे। जैसे हम अभी तक हमने जो डिस्टल पॉइंट देखे हैं उनको और इन्फ्लुएंशियल पॉइंट को अगर हम जोड़ते हैं तो हमारा प्रोटोकॉल कैसे बनेगा, एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। नी मेरिडियन, नी पेन का देख लेते हैं। नी पेन के लिए हम एज अ मेरिडियन देखेंगे, एज मेरिडियन। जैसे स्प्लीन मेरिडियन है, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, ये जो एरिया है, ये एरिया स्प्लीन मेरिडियन का एरिया है। स्प्लीन मेरिडियन हमारे बिग टो से शुरू होती है और ये स्प्लीन मेरिडियन हमारे यहां से होती हुई, इस एरिया में नी पेन अगर हो रहा है तो हम क्या करेंगे, यहां पर हमारे पास में एज मेरिडियन आ गया तो सेल्फ पॉइंट जो है, तो ये कौन सा ट्रीटमेंट हो जाएगा, ब्रांच लेवल का, ब्रांच लेवल ट्रीटमेंट। सेल्फ पॉइंट जो आएगा वह स्प्लीन का आएगा, स्प्लीन का कौन सा आएगा, 5 नंबर का पॉइंट सेल्फ पॉइंट है, ये इसको हम सीडेट करेंगे। अब इसको सीडेट किया तो हमारे पास में जो 2 पॉइंट्स है, मदर पॉइंट एंड सन पॉइंट, तो उनमें से एक बिंदु जो है वह टोनिफिकेशन पॉइंट है और एक बिंदु जो है वह सीडेशन पॉइंट है। तो हमने इसको सीडेट किया है तो हमको यहां पे सीडेशन पॉइंट लेना होगा, सन पॉइंट। आ रही है बात समझ में, ये तो सन पॉइंट कौन सा होगा इसका, स्प्लीन का 9 नंबर का बिंदु सीडेट होगा। इसके बाद जो लेंगे हम वो लेंगे इन्फ्लुएंशियल, सॉरी, सब्जुगेटर या एंटी सब्जुगेटर। तो स्प्लीन जो है वह अर्थ है, तो अर्थ को, अर्थ किससे कंट्रोल हो रहा है या अर्थ को कौन कंट्रोल कर रहा है, सब्जुगेटर कौन है। हमने पूरे चार्ट बनाए हुए हैं हमारे पास और उस चार्ट में मैंने आपको सारी चीजें लिखवाई हुई है। ब्रांच लेवल और बॉडी लेवल दोनों के हमने चार्ट बनाए हैं। देखो,
स्प्लीन का, हमने क्या लिया यहां पे, स्प्लीन का फाइव नंबर लिया, इसका एंटी सब्जुगेटर और सब्जुगेटर दो पॉइंट हमने लेना है, इसमें से कोई भी लेना है, सब्जुगेटर या एंटी सब्जुगेटर। तो एसपी वन जो पॉइंट है वो हम लेंगे एसपी वन पॉइंट लेंगे, सब्जुगेटर पॉइंट एसपी वन। क्या करेंगे, टोन करेंगे इसको। पेरिकार्डियम का इसका जो सब्जुगेटर के बाद हम इसको मास्टर पॉइंट लेंगे, इसका मास्टर पॉइंट क्या होगा, इसका पेरिकार्डियम का फाइव नंबर का पॉइंट क्या होगा, ये सीडेट होगा। और आखिर में इन्फॉर्म डीयू 20 को क्या करेंगे, सीडेट करेंगे। अब यहां पर हमने डिस्टल पॉइंट लिया है, डिस्टल, और हमने क्या सीखा है, इन्फ्लुएशनल, इन्फ्लुएशनल पॉइंट। तो बात किस चीज की हो रही है, हमारे पास बोन रिलेटेड प्रॉब्लम की बात हो रही है। यहां पर हमने इन्फ्लुएशनल पॉइंट, जॉइंट पेन की बात हो रही है और बॉडी फ्लूड, बॉडी नमनेस इस चीज की बात हो रही है। तो यूबी 11 और यूबी दोनों भी पॉइंट हम ले सकते हैं, यूबी 11 और अगर नमनेस अगर बोल रहे हैं तो यूबी 17। और डिस्टल पॉइंट जो है वो कौन सा होगा, हमारे पैरों के लिए यूबी 40। तो इस तरीके से आपके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 निडल लगेंगे। नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे सी लेफ्ट पॉइंट। सी लेफ्ट पॉइंट इसको लाइटनेस एनर्जी भी कहा जाता है, लाइटनेस एनर्जी है ये, जैसे हीट हॉट विंड, हीट हॉट, तो ये लाइटनेस एनर्जी है। जैसे कि अगर इसको समझना है, ये एक सी लेफ्ट पॉइंट होते क्या है, ये रोड है, और यहां पर गड्ढे है। जब बरसात होती है तो इसमें पानी जमा हो जाता है, जब बरसात होती है तब इसमें पानी जमा हो जाता है। तो उसी तरीके से अगर हम इसको पाथवे ऑफ मेरिडियन समझ रहे हैं, तो ये जो गड्ढे है पाथवे ऑफ मेरिडियन में, ये एनर्जी से भरे पॉइंट है, ये एनर्जी पॉइंट है, एनर्जी के गड्ढे है ये, और इन्हीं पॉइंट को सी लेफ्ट पॉइंट कहा जाता है। जब ऑर्गन में, किसी भी ऑर्गन में एक्यूट इमरजेंसी में इन बिंदुओं का उपयोग आप बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। ऑर्गन के इनबैलेंस होने पर, असंतुलित होने पर, या हाइपर कंडीशन कब होगी, जैसे क्या होगा हाइपर कंडीशन में, इमरजेंसी में सनस्ट्रोक हो सकता, हार्ट अटैक हो सकता। तो इस समय शरीर की ऊर्जा कम हो जाती है, तब हम इस सी लेफ्ट पॉइंट का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि इन गड्ढों में, इन बिंदुओं में एनर्जी का भरपूर स्टॉक होता है, और यह एनर्जी, यह ऊर्जा ब्रह्मांडीय ऊर्जा होती है, गॉड गिफ्टेड एनर्जी होती है, यह हरदम भरी रहती है यहां पे, सभी के
और स्टोरेज ऑफ एनर्जी है ये, स्टोरेज ऑफ एनर्जी, जो कि हम इमरजेंसी में यूज कर सकते हैं। जैसे हमारे घर में हम अनाज भर के रखते हैं और इमरजेंसी के समय यूज करते हैं। अभी जैसे लॉकडाउन में हमने बहुत सारी चीजें स्टॉक करके रखी, तो वही सी लेफ्ट पॉइंट है। टोटल 12 पॉइंट है इसमें के, हम इसको एक एक करके देखते हैं, उसका उपयोग भी देखेंगे। 1 LU 6 पॉइंट, जनरल कोप, जनरल कफ एंड कोल्ड में, और अस्थमा में भी बहुत अच्छा उपयोगी है। दूसरा जो पॉइंट है वो है नंबर 2 LI 7, कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन, टूथ एक, दांत दर्द में टूथ एच, फ्रोजन शोल्डर में बहुत अच्छा काम करता है। इन बिंदुओं को आप सिंगल सिंगल भी यूज कर सकते हैं इमरजेंसी में, सिंगल सिंगल भी यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ में LI मेरिडियन में, मतलब लीवर लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रॉब्लम हो। 3 नंबर का जो पॉइंट है इसका वो है ST 34, ST 34 नंबर का पॉइंट, गैस, गैसेस के प्रॉब्लम के लिए और कॉन्स्टिपेशन के लिए। फोर नंबर का जो पॉइंट है SP 8 नंबर का पॉइंट, किसी भी प्रकार के ऑल टाइप्स ऑफ ब्लीडिंग, एग्जाम्पल क्या होगा इसका, पाइल्स, मेंसेस, नाक नक्सीर फूटता है, तो किसी भी प्रकार के ब्लडिंग जब हो रहा है इमरजेंसी में हम SP 8 को रेंट कर सकते हैं। पांच नंबर का जो पॉइंट है वह है HT 6 नंबर का पॉइंट, किस चीज में, इमरजेंसी, हाई BP एंड हार्ट अटैक। 6 नंबर का जो पॉइंट है SI 6, आइस प्रॉब्लम के लिए, ईयर प्रॉब्लम के लिए, सेवन नंबर का जो पॉइंट है GB 63, मिर्गी, एपिलिप्सी के लिए, स्पाइन, स्पाइन में क्या होगा, GB जहां बात आएगा, जब भी हम स्पाइन की बात करेंगे तो अलग अलग मेरिडियन की बात करेंगे। हमने स्पाइन बहुत सारे मेरिडियन में लिखा है, बहुत सारी चीजें हमने बहुत सारे मेरिडियन में लिखी है। SI मेरिडियन में हमने आइस प्रॉब्लम लिखा है, ईयर प्रॉब्लम लिखा है, तो जब भी इसका पाथवे वहां से जाएगा, जब भी इसका पाथवे वहां से जाएगा, अगर हम आइस की बात करें तो यहां पर GB मेरिडियन भी आ रहा है, SI मेरिडियन भी आ रहा है। जैसे हम साइटिका की अगर बात करें तो ये जीबी मेरिडियन जो है वो साइड से जा रहा है, तो हम स्पाइन की कहां बात करेंगे, यहां पे साइटिका में बात करेंगे। तो इस तरीके से हम इन बिंदुओं का उपयोग कर सकते हैं स्पाइन के प्रॉब्लम में। जीबी मेरिडियन स्पाइन बोले तो जीबी में साइटिका पेन, गॉल ब्लैडर में साइटिका पेन। 8 नंबर का पॉइंट KD 4 नंबर का बिंदु, KD किडनी का 4 नंबर का पॉइंट, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन,
रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेंसेस कम आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम अगर है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के, तो आप इस बिंदु को ले सकते हैं। साथ ही साथ में यह किडनी के ऑल प्रॉब्लम्स में काम आएगा, किडनी ऑल प्रॉब्लम। इंग्लिश मेरा अच्छा नहीं है, आप लोग उसको सुधारिएगा। नेक्स्ट जो है 9 नंबर का पॉइंट, पेरिकार्डियम का 4 नंबर का बिंदु, हार्ट के सभी प्रॉब्लम के लिए, हार्ट्स ऑल प्रॉब्लम। 10 नंबर का बिंदु, ट्रिपल वार्मर का 7 नंबर का पॉइंट, बॉडी नमनेस के लिए। वो बॉडी में भी हो सकता है, फोर लिम में भी हो सकता है, किसी एक लिम में भी हो सकता है, नमनेस में। एक और प्रॉब्लम में हम इसको ले सकते हैं, इंटेस्टाइन प्रॉब्लम। क्या होते हैं? अल्सर होता है, अपेंडिक्स होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है ना? आपको एक अलग से और बॉडी एनाटॉमी का भी कोर्स करना चाहिए। अगर आप अच्छे हीलर बनना चाहते हैं तो आपको बॉडी एनाटॉमी सीखना होगा। गॉल ब्लैडर का 36 नंबर का पॉइंट जो है, मतलब आपने ओसीडी का नाम सुना होगा, एक ही काम को बार बार करना। तो बार बार करना, मेनिया, ओसीडी, इमोशनल पर्सन, गॉल ब्लैडर स्टोन। और इसका जो लास्ट पॉइंट है 12 नंबर का पॉइंट, वो है LIV6, लीवर के सभी प्रॉब्लम, इन बिंदुओं को हम एकदम से एक जगह पर भी लिख लेते हैं, जो हमारे सिलेक्ट पॉइंट है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 and 12। 12 बिंदुओं को हम लिख लेते हैं। कौन कौन से बिंदु है वो? पहला बिंदु जो है वो है LU6, LI7, ST34, SP8, HT6, SI6, UV63, SP8, ST34, UV63 नहीं होगा। ये जो पॉइंट हमने यहां पे लिखा है, UV63 होगा, UV63। और ये जो हमने गॉल ब्लैडर के लिए जो लिखा है, यह UV63 होगा, और ये GB की जगह पे UV मेरिडियन का साइटिका होगा, और यहां पर जो है ये UV36 जो है, यहां पर GB टाइप साइटिका होगा। इसको आप राइट कर लीजिए, UV63
KD5, KD4, PC4 पेरिकार्डियम का 4 नंबर का बिंदु, ट्रिपल वार्मर का 7 नंबर का बिंदु और गॉल ब्लैडर का, कहाँ गड़बड़ हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 गॉल ब्लैडर का 36 नंबर का पॉइंट होगा, 10 नंबर एक भूल गया उसको आप लीवर लिख लीजिए, लीवर का 6 नंबर का पॉइंट होगा। तो इस तरीके से ये 12 बिंदु हो गए। ये करेक्शन आपने कर लेना है, GB63 का UB63 कर लेना है और अच्छी तरीके से सारे वीडियो देखे, कोई भी दिक्कत हो तो मुझे कॉन्टैक्ट करें। धन्यवाद।